Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. एपिसोड एक्चुअली हमें पता भी नहीं चले हैं क्योंकि हम जो यूनिट है हमारी उसमें ऐसे धमाल मस्ती चलती रहती है कि टाइम का एक्चुअली पता नहीं चलता है. सो जब हम सेट पे आए तब हमें रियलाइज हुआ अच्छा आज 300 एपिसोड पूरे हुए हैं. सो हम पहले हाई वाई हो गई उसके बाद अरे कॉन्ग्रेचुलेशन उसके बाद शुरू हुआ. बट बहुत ही कमाल की जर्नी रही है एंड आई थिंक वागले की दुनिया जो एक शो है वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है. इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम ऑपर्चुनिटी. इट हैज बीन अ फिनोमिनल. बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का जो हम 300 एपिसोड्स का एक माइलस्टोन पार कर चुके हैं आज की तारीख में. मतलब आज की तारीख इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले दो सालों से इस पैंडमिक से जूझ रहे थे. अब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, थिएटर्स ओपन हो गए हैं, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, एवरीथिंग इज कम बैक टू नॉर्मल सी. सो उन दो सालों में से स्पेशली लास्ट ईयर भी हो गए थे लेकिन फिर भी हम डटे रहे और आज हम 300 एपिसोड्स कर चुके हैं. तो यस वाकई में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. लेकिन जैसे कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही अगर ये एक हाथ हमारा है तो ये एक हाथ ऑडियंस का है, तो ये जब दोनों साथ मिलते हैं तब ताली बजती है. हम दोनों की बहुत सारी मेमोरी ना मेमोरी भी बना रहे होते हैं. हम मतलब हम जब पहली बार मिले थे तो मैं हाँ वो बताती हूँ. सो लुक टेस्ट था हमारा, गाने का ही बता रही हूँ. तो ये मैडम का लुक टेस्ट काफ़ी टाइम चल रहा था. अब आप पहली बार किसी से मिलते थे तो आप ज़्यादा बात करते नहीं, मैं भी नहीं बोलती हूँ, ये भी नहीं बोलती है. तो हम दोनों एक दूसरे को देखा, फिर हम अपना अपना रेडी हुए. उसके बाद काफ़ी देर तक खाए हेलो भी नहीं हुई हमारी. फिर कुछ 4-5 घंटे बाद दिस का आता है आपके पास कुछ खाने को है क्या? ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट हाई वेलो भी नहीं थी. मैंने सुबह सुबह बहुत भूख लगी है. अरे हाँ मैंने एक बिस्किट का पैकेट बस इसीलिए रखा था कि कोई भूखा मिलेगा. और सबसे पहले तो मुझे जो ड्रेस में जो एक थी तो उन्होंने बोला था वो मैम बहुत स्ट्रिक्ट है और हाँ कि वो ज्यादा बोलती नहीं है या आए तब से शांत है वगैरह. तो मैं ऐसे थी कि यार मैं मांगू या नहीं, भूख तो लगी है और इसके अलावा और कौन दे सकता है तभी. तो ये हमारी फर्स्ट और हम दोनों वी शेयर अ रूम. हम दोनों की मतलब एक बॉन्डिंग है बहुत प्यारी. तो हम दोनों लेकिन ना सुबह कम बोलने वाले लोग में से तो हम सबसे हाय कहेंगे लेकिन एक दूसरे को हाय नहीं बोलते. गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलते. हम एक दूसरे की तरफ देखते ही नहीं है सुबह. हम अपना अपना रेडी होते हैं तो सबको लगता है कि क्या लड़ाई झगड़ा हुआ है. बट हम दोनों ही ऐसे हैं और सब शांत होते हैं तभी कि ये दोनों बात नहीं कर रहे हैं. फिर होता है कि अरे भाई उनको भी पता चल गया कि अच्छा ये ऐसे ही है, ये सुबह बात नहीं करती, इनका थोड़ा सा रेडी होने के बाद शुरू. सेम ही है, सेम बिहेवियर पैटर्न है हमारा. हमने एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग ये जब शो शुरू हुआ हम कहाँ तक पहुँचेंगे ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम वो एक्सपीरियंस को इतना एंजॉय कर रहे थे. अंजन जी, भारती जी, सुमित, अब जो पूरी टीम हमें मिली है, हमारी आपस का जो एक बॉन्ड है उसको हम इतना एंजॉय करते हैं कि हमने ये कभी नहीं सोचा कि कहाँ तक जाएगी ये जर्नी. हम हर दिन को एंजॉय करें. एग्जैक्टली अभी जैसे बोला कि 300 एपिसोड्स कंप्लीट हुए तो हमारे लिए रजिस्टर ही नहीं हुआ था हमें, क्योंकि हम हर दिन को एक यू नो नए. और क्योंकि हमारी हमारा जो शो है वो एक एपिसोडिक स्टोरीज होती हैं जिसमें हर बार हमें कुछ नया करने को मिलता है. तो वो एक्सपीरियंस अपने आप में एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है कि एक लॉन्ग रनिंग शो में आप हर एपिसोड में कुछ नया एक्सप्लोर करते हो. ये शो एक आईना है. मतलब जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है उसी को एक अलग अंदाज में उसी को हम पेश करते हैं. लेकिन कहीं भी वो प्रवचन नहीं होता है या कहीं भी ज्ञान नहीं होता है. ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही क्या कहें, एक पूरा पारिवारिक शो जिसे हम कहेंगे, जो हमारे रूट्स है. हम सब आज भी अपने दादा दादी नाना नानी से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारा समाज हमारी वो सीख है. भले आज हम एक
क्या कहें, वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हों, लेकिन फिर भी आज हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे रूट्स हैं और वही हम हमारे वागई की दुनिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, दिखाते आ रहे हैं। तो एक स्लाइस ऑफ लाइफ है भैया, टंग एंड चीक ह्यूमर है, थोड़ी नोक झोंक भी है, बच्चों के भी कुछ इश्यूज हैं, माँ बाप के इश्यूज हैं, पति पत्नी के झगड़े हैं, पति पत्नी का प्यार है, तो ये सब कुछ है। जैसा कहते हैं कि एक भरी हुई थाली है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। तो क्या 56 भोग है ये, तो मेरे ख्याल से ये लोगों को, ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है। यही एक एस्पेक्ट जो आज कहीं ना कहीं OTT माध्यम में थोड़ा सा लुप्त हो रहा है। OTT में आज आप अलग अलग के शोज़ आ रहे हैं, जबकि कोई क्या कहें उसे, उसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं है ना, तो फिर आपके मन में जो है वो आप दिखा रहे हैं, आपकी लैंग्वेज फिर अलग होती है। लेकिन वैसा नहीं है सोनी सब पर जो है वो हम और वागई की दुनिया, ये जब हम साथ आते हैं तो फिर ऐसा ही कुछ होगा जिसमें से परिवार को कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, हर एक परिवार के सदस्यों को।